अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि 50 रुपए के खर्च में खूब सारी बन करके तैयार होती है और ये बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। इसके लिए एक कटोरी बासमती चावल लिए हैं। आप चावल कोई से भी ले लें लेकिन वो कच्चे होने चाहिए। इनको मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब कढ़ाई में एक बड़े चम्मच जितना देसी घी ऐड करेंगे। गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें चावलों को डाल देंगे। अभी 2 मिनट तो फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इनको बराबर से चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें घी की जगह ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन मिठाइयों के अंदर क्या है, घी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। चावल भी देखिए हल्के से सिक गए हैं। अभी मैंने आधी कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको भी इसी में डाल देंगे। अब चावलों के साथ मूंगफली को भी अच्छे से सेक लेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें मूंगफली को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके टेस्ट को बढ़ाने की वजह से इसमें मूंगफली को ऐड किया है। ये चावल और मूंगफली भी देखिए अच्छे से सिक गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब इनको हल्का सा ठंडा करने के बाद मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। मैं इनको 2 बार करके पीस लूंगी। अगर आपका जार बड़ा है तो आप इनको 1 बार में भी पीस सकते हो। इनको पीस कर किसी भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अभी 250 ग्राम गुड़ लिया है, इसको देखिए इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा सा तोड़ लिया है। अगर आप चाहो तो इसमें गुड़ की जगह शक्कर या फिर मिश्री भी डाल सकते हो। अब गुड़ को भी इसी कढ़ाई में डाल देंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। अब गुड़ को इसमें अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे। पानी को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसको छन्नी से छान लेंगे, जिससे क्या है इसके अंदर जितना भी कचरा होगा निकल जाएगा। अब कढ़ाई को साफ पानी से हल्का सा खंगाल लेंगे। गुड़ के अंदर देखिए कितना कचरा निकला है। अब हमने मूंगफली और चावल का पाउडर बनाया है, इसको कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें गुड़ के पानी को भी डाल देंगे। अब इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने चूल्हे को ऑन नहीं किया है, पहले इनको मिक्स कर लेंगे उसके बाद चूल्हे को ऑन करेंगे। इनको देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच दूध की मलाई डालेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। अब इसको बराबर से चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब इसके कलर को अच्छा करने की वजह से इसमें येलो फूड कलर डालेंगे। कलर को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी और डालेंगे। अब इसकी थोड़ी देर और भुनाई करेंगे। ये मिक्स भी देखिए अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इस तरीके की थाली या फिर कोई भी ओंडी सी प्लेट लेंगे, इसमें ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का से घी लगाएंगे। घी को इसमें सब तरफ अच्छे से लगा देंगे।
अब इस मिक्स को थाली में डाल देंगे। इसको थाली में सब तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब इसको करीब आधे से पौन घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, जिससे क्या है ठंडी भी हो जाएगी और अच्छे से सेट भी हो जाएगी। उसके बाद इसमें से पीस कट करेंगे। ये ठंडी होने के बाद देखिए अच्छे से सेट हो गई है। अब इसमें से अपनी पसंद के हिसाब से पीस कट करेंगे। मैं इसको इस तरीके से डायमंड शेप में कट करूंगी। अब इस पे गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बादाम की कटिंग ऐड करेंगे। ये मेरे पास थोड़ी सी ताजा गुलाब की पत्ती है, इनको भी इन पे लगा देंगे। अब इन पीसों को निकाल करके प्लेट में जमा लेंगे। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाना चाहूंगी। ये देखा आपने हमारी कितनी बढ़िया एकदम सॉफ्ट मिठाई बनी है, और यकीन मानिए टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बनी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।